नमस्कार दोस्तों, फेसबुक खबर लहर या फेसबुक लाइव में फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ रत्ती के खोड़ा और नत्थु के खोड़ा के यहाँ पर, जो यहाँ से रास्ता गई है लगभग कुल पहाड़ से 5 किलोमीटर दूर है। अब वो रास्ता ऐसी है कि वैसे ही निकलना मुश्किल पड़ता है। जब भी कभी बारिश होती है तो लोगों को निकलना काफ़ी मुश्किल पड़ती हैं। तो चलिए, यहाँ लोग खड़े हुए हैं, हम इनसे जानते हैं किस किस तरह की समस्याएं होती हैं इस रास्ता से। वैसे तो सरकार कह रही है कि सड़क गड्ढा मुक्त की बात कह रही है, आखिर जो छोटे छोटे गांव को रास्ता गई है, क्या उनकी स्थिति सही साइड है कि नहीं है, और उन सड़कों की गड्ढा पूरे हुए हैं या नहीं, तो चलिए हम जानते हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? हमाजा मिला। तो आप लोग कैसे निकलती हैं बरसात में? हम आवे अपने गांव से आए हैं तो इतने अपना अपना माते हो ना, हमारे प्लाट लाए तो इतना हम जा पा रहे ना आ पा रहे, सब रास्ता खराब है। तो जैसे बरसात होती है, अन्य दिन होते हैं, तो फिर कैसे निकलते हैं? पानी में हेल के खपने में, तैसे खपने से हेल जाती रह रही बच्चा, ना लाइट की व्यवस्था ना पानी की व्यवस्था कुछ। तो यहाँ रास्ता नहीं बनी है क्या? नहीं, कहाँ, कच्चा है, जो डर है आप देखो। ये कब से है ऐसा? अब तो जाने कब से, हम तो अब भी आए ना 2-3 साल है भाई ना। जी, तो 2-3 साल से इसी तरह से देख रहे हैं, सही भी जा रही आ रही। अगर ये पक्की रास्ताएं होती तो क्या आपके वहाँ तक साधन पहुँच जाती या नहीं पहुँच पाते? नहीं, सब पक्के होते तो मैं पहुँच जाती, जब नहीं कच्ची है तो कहाँ जाए, मैं रोड पे फेंक देते, मुड़न ले जा रहे, धो रहे, चल रहे, आ रहे। जैसे किसी की तबीयत खराब होती है तो फिर कैसे निकल पाते हैं? ऐसे ही ले जाते हैं हाथन से, टांग ले जाते हैं और जा रहे आ रहे। जी, परेशानी है, कुछ वाहन भी नहीं आ रहा है, वो रास्ता वही गोला से मिले तो जब ले जाए। जी, रुक जाइए, वो भैया को रोको थोड़ा। ओ भैया साइकिल वाले जी, अंकल जी आपका क्या नाम है? हमारा नाम शेखर है। कहाँ के रहने वाले हैं? वो रत्ती के खोड़े के। जी, यहाँ से कुल पहाड़ से कितना दूर पड़ता है? मैं बताऊँ नहीं आपका, 5 किलोमीटर पड़ेगा। तो आप कैसे जाते हैं? बस ऐसे ही जाते हैं, जैसे अभी जा रहे पैदल। पैदल भागते हैं, पानी बरस गए फिर कोई साधन नहीं है। जी, बस बोरन से जाते हैं, चाहे ताप बुखार हो चाहे कुछ भी हो, ऐसे ही पैदल भागते हैं। जैसे जो मोदी जी और योगी जी का सपना था कि जो गड्ढा है सड़क के वो मुक्त होंगे, क्या आपके यहाँ पक्की सड़क बनी थी, क्या मुक्त हुए हैं? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं। आपके यहाँ कब बनी थी ये रास्ता, कब बनी थी? हम तो जब से देख रहे हैं, जब से ऐसे ही देख रहे हैं। यहाँ तो कुछ दूर में डम्बल भी दिख रहा है, कुछ है पक्का, जो हुआ करीब करीब 2 किलोमीटर। आपने मांग नहीं किया है कहीं? हम तो साहब खूब कहा, लेकर कोई सुनताई सुनाई नहीं होती। क्या कहते हैं कि जो रोड डर जाए साहब, प्रधान से कही पहले कि प्रधान हटो कोरी, यही न थूके खड़े को उन्हें नहीं सुनी। अब इन्हें कही ये दब्बा जी हो गए प्रधान, इन्हें कही वो नहीं सुना था। तो ये प्रधान के तहत बनेगी रोड? हाओ, जो तो उन्हें अपने गांव का बनवा लो, तो ये प्रधान ने कोरी ने महानी बनवाओ हमारे को, हमने उसे कही अपने से जो नहीं आ रहा। 2 किलोमीटर तो बनवाई है आज बीच में। हाओ, वो ही तो मैंने कही जी। तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि इस रास्ताओं की, ऐसी रास्ताओं के लिए क्या नाम बताया? सुनो दब्बा जी, ओ भैया जान दो जी। अगर रुकिए भैया, अगर आप लोगों के यहाँ कुछ ऐसी महिलाओं की डिलीवरी होती हैं और कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं, तो फिर क्या करते हैं आप लोग? बस ऐसे ही बताओ नहीं है आपका, चौमासे में ऐसे ही भगा ले लेकर। कितना टाइम लगता है पैदल चलने में? करीब करीब 20 मिनट लग जाएंगे पैदल में। 5 किलोमीटर 20 मिनट में चले जाएंगे? अरे 20-25-30 मिनट, आधा घंटा लग जाता। हाँ, तो आराम से आ जाते हैं? आ जाते हैं।
जैसे रोड होती पक्की रोड होती तो वाहन मजदूरी पे पहुंच तो क्या ऐसा कुछ घटनाएं हुई हैं? अबे तक तो नहीं भाई ऐसी कुछ। आपके यहाँ एम्बुलेंस जा रही है? ईद नहीं जाती, चौमासे में नहीं जाती। चौमासे में नहीं जाती? चौमासे में नहीं जाती। क्यों नहीं जाती चौमासे में? चौमासे में भी एक तन खपरा होता कहानी है। कितना खप रहा है? और का कितना से कहलते हैं, कितना खपता है? एक तन से टिंगरन से, टिंगरन से बेड़के आओ। अब टिंगरन से बेड़के कहाँ एम्बुलेंस चली गए? फिर क्या करते हैं? कहीं का कर अपने ऐसे उठा उठा के ले जाते हैं, जैसे बना सुकाड़क। जी भाई आपका पर्चे? मेरा नाम जयपाल। ये जो नथु के खोड़ा और रत्तु के खोड़ा की रास्ता गई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये कहना है कि ये पक्की हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगी, और जो खोड़े से आते हैं लोग बाग तो उनको बहुत दिक्कत पड़ती है, क्योंकि जब गुमान जिस समय प्रधान थे उस समय ये सड़क बनी हुई थी, आधी सड़क बनाई है आधी कच्ची है, ये करीबन 2 किलोमीटर पक्की है, बाकी सब कच्ची है। 3 किलोमीटर कच्ची? 3 किलोमीटर और जो 50-60 मीटर जितनी भी हो ये भी कच्ची है जी। सब में जाना ये तो ज़्यादा दिक्कत पड़ती है। किस किस तरह की? वाहन नहीं निकल पाते हैं, पैदल लोग आते हैं तो उनको भी ज़्यादा दिक्कत पड़ जाती है जी। अभी तो सूखा है, अभी तो दिक्कत नहीं है? अभी तो जैसे बरसात नहीं है, अभी सूखा है तो अभी तो निकल जाते हैं वाहन। अच्छा, ये रास्ते से कितने लोग निकलते हैं? इससे 2 खड़े के लोग निकलते हैं, और 2 खड़े जो हैं और खोनरिया के लोग भी आते हैं यहीं से, साला खोनरिया रिसोर्ट में निकल आते हैं जी। और जब ये रोड मतलब बरसात होती है, बारिश होती है, तो फिर कहाँ से जाते हैं वो लोग? फिर यहीं से आते हैं, काहे का इसी में गिलाई से आते हैं, इसी में हेल के निकलते हैं। कितने लोग लगभग निकलते होंगे? दिन भर निकालते हैं लोग बाग, वो तो रास्ता है, सभी लोग जाते हैं, हर खेत वाले भी जाते हैं, घोड़े से आते हैं, बाजार जाते हैं, चक्की जाते हैं, आटा पिसाने जी। तो सबसे ज़्यादा पैदल ही लोग जाते हैं? पैदल अधिकतर पैदल ही जाते हैं, जब महान निकल गए तो पैदल, जिसके पास साधन है जो उसको बता दीजिए, साधन वाले पैदल जाते हैं, जो उनके पास साधन भी है वो भी पैदल। तो यहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको किस तरह की मुसीबतें? बच्चे जो पढ़ने वाले हैं तो उनको तो बहुत दिक्कत है बरसात में, तो वो कहा है कि साइकिल से आते हैं लोग, लड़की हैं लड़का हैं जो, तो वो साइकिल जाने वो बरसात में साइकिल नहीं कर पाती हैं, तो उनको कहा स्कूल में लेट हो जाए, कहा पेपर भी छूट जाए पेपर के समय पर, तो वे 4 बजे रात से निकलते हैं, ये समस्या है। आपने अपना नाम क्या बताया था? जयपाल। आप यहीं से? नहीं, मैं कुलपाड़ से हूँ, मैं खेत पर जा रहा हूँ जी। तो आपने जयपाल से सुना भी है कि खासकर जो पढ़ने वाले स्कूली बच्चे हैं उन लोगों को तो और समस्याएं पड़ती हैं, और आने जाने लोगों को तो समस्या होती हैं, लेकिन वो समस्या तो उकल वो निपटा भी लेते हैं, पर ऐसा जब छात्र स्कूल का टाइम होता है वो स्कूल के टाइम नहीं पहुंच पाते हैं, उनके पेपर भी छूट जाते हैं या फिर स्कूल बंद हो जाते हैं, ये समस्याएं होती हैं रोड ना बनने के कारण। और यहाँ के कहते हैं कि 3-4 गांव के लोग इस रास्ते से निकल रहे हैं, जो ये कच्ची रास्ता है, कुछ पक्की रास्ता बनी हुई है, पर उन गांव के लिए साधन नहीं पहुंच पाता है, ये लोगों का कहना है। तो मैं अपना लाइफ यहीं समाप्त करती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।